हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका पीसीएस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी की जो है क्लास 8 जो है देख रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो है थर्ड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे? तो चैप्टर नंबर हम लोग जो है फोर्थ देखेंगे। अब इस फोर्थ चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ठीक है? आपने जो है बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। देखिए, ये इंट्रोडक्शन क्लास भी है, स्टार्टिंग में जो है क्या करेगा आपका, इंट्रोडक्शन में काम आएगा, ठीक है ना? तो ये जो है, अगर आप इसका जो है लास्ट वाला लेक्चर अगर देखने लगेंगे, अगर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समस्या होगी। तो अगर आपको, अगर वहां से अगर गलती से पहुंच गए तो क्या करेंगे आप लोग, आकर ये देखेंगे पहला वीडियो, ठीक है? तो आपने जो है क्या नाम सुना होगा, तो बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है? और आपने जो है संथाल विद्रोह भी सुना होगा। तो आखिर इसका जो है बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कौन है? तो ये लोग जो है जनजाति लोग हैं, ठीक है? ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है? और ये दीकू, ये दीकू क्या होता है? दीकू मिस होता है बाहरी लोग। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि दीकू मीन्स क्या होता है, तो बाहरी लोग होता है। तो ये चीजें हैं, इन लोगों को हम लोगों को समझना है। तो इस चैप्टर में टोटली क्या समझना है आपको, तो जो है टोटली जो समझना है तो जनजाति समूहों के बारे में समझना है कि जनजाति समूह कौन से थे, आदिवासी समूह कौन से थे। तो इन चीजों पर हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि तो पूरे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में दिया हुआ है। मैं बता दूं कि ये जो आपके प्रीलिम्स में जो है काम डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है जब कंसेप्ट पर जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें भी जो है इसको डाल देते हैं लोग। किसको? जो है जनजाति समूहों को, कि जो है समूह कहाँ निवास करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है, एक बार और बता दूं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब आदिवासी आपने समझ लिया, दीकू मीन्स बाहरी लोग, एक स्वर्ण युग की कल्पना, ठीक है? अब ये लोग भी क्या है, ये जो जनजाति लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये भी क्या है कि ये जो है अंग्रेजों से परेशान है, क्योंकि अंग्रेज जो है संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा जो है, जो बिरसा मुंडा का नाम सुना है, उन्होंने जो विद्रोह किया है, ठीक है? तो कब हुआ है, तो अंग्रेजों के समय में हुआ है। और जो है इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया है, जो है अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया, परेशान किया है, ठीक है ना? ठीक है, 1895 में बिरसा नाम के झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। क्या देखा गया? तो जो है बिरसा नाम का कोई व्यक्ति है, कब? 1895 में। याद रखिए कि 1857 में हम लोग की जो है क्रांति भी हो चुकी है। ये क्रांति हम लोग को चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो याद रखिए कि इस समय जो है अंग्रेजी शासन है, ठीक है ना, हम लोग के भारत देश में। तो भी बैकग्राउंड आपको जो है समझते रहना है, ठीक है ना? तो जो जो बिरसा नामक जो व्यक्ति है, ठीक है, उसे जो है घूमते देखा गया। कहाँ पर? तो छोटा नागपुर के जंगलों में। लोग कहते थे कि उसके पास क्या है, तो चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना तक बढ़ा देता था। यानी एक तरह से उनमें जो है जादुई चीज की कल्पना की गई थी, वो बात है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया, मतलब बिरसा मुंडा जो अपने नाम सुना है, तो बिरसा ने क्या किया कि खुद ही ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं यानी बाहरी लोग जो है दीकुओं की गुलामी से आजादी जो है आजाद कराने के लिए भेजा है। अब देखिए, समझिए, यानी किसकी रक्षा जो है, किसको क्या करने के लिए? तो जो है जो मतलब जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है ना, जो जनजाति लोग हैं, उनकी क्या करना है, तो रक्षा करना है किससे? दीकुओं से। दीकुओं यानी अंग्रेजों से। इसको क्या कहा गया, देखियो को, तो बाहरी लोग कहा गया है। बाहरी लोग यानी यही अंग्रेज लोग, यानी अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद दिलवाएंगे। कौन दिलवाएगा? तो बिरसा मुंडा। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, ठीक है? बिरसा का जन्म जो है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा जो है एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास और जो है अपने आसपास जो है आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। यानी इन लोगों को देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जनजाति लोग हैं, ठीक है? अब इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको जो है इनकी मैं प्रॉब्लम में बता देता हूँ। ये जनजाति लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं? तो जंगलों में रहते हैं। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और जो है कंपनी का शासन होने लगा, इसके बाद जो है 1857 में जो है जब डायरेक्ट जो है
विक्टोरिया का शासन होता है भारत पर, ब्रिटेन का शासन होता है। तो इसमें जो है आपने सुना होगा कि जो है रेल निर्माण, आपने नाम सुना होगा कि जो है रेल का निर्माण हो रहा था, ठीक है, इसी समय लगभग। तो रेल निर्माण हो रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, तो जंगलों की कटाइयां कर रहे थे जंगलों, क्योंकि उस समय जो है जो रेल की पटरियां जो बिछाई जाती थी वो जो है लकड़ियां की होती थी, ठीक है, मतलब पटरी जो लोहे वाली है वो नहीं, जो उसके जो नीचे जहां रखा जाता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज भी आप जो है कई स्टेशन पर देखेंगे कि आपको जो है लकड़ी की पटरियां देखने को मिलेगी, मतलब पटरियों पर जो है वह जो लोहे की जो पटरियां होती हैं जिस पर वो टिका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोहे की वो जो है वो लोहे की जो पटरी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि जब जब है मतलब एक अंधाधुंध जो है इसका जब यूज होने लगा, जब प्रयोग होने लगा, तो इससे प्रॉब्लम किसको होगी, जनजाति लोगों को, क्योंकि जनजाति लोग कहाँ रहते हैं जो है जंगलों से, इनको आज भी देखेंगे जो है कि जनजाति समूह जो है अपने जो है जंगलों से बहुत प्रेम करती है, ठीक है। तो इन लोगों को समस्या हो रही थी किससे, अंग्रेजी शासन से, ठीक है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये मान रहे थे कि भाई अब क्या होगा हमारी सब जो है मतलब पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, आप समझिए, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, इस अध्याय में हम सभी सवालों को देखेंगे, ठीक है, इस सवाल पर जो है जितने जो कॉन्सेप्ट हैं सारी चीजों को देखेंगे हम लोग। पिछले साल आपने जो है आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो है स्टार्टिंग क्या है, तो ये जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें जो है जब हम लोग पूरा इसको जब कंप्लीट पढ़ चुके रहेंगे, ठीक है ना, जब अंत का जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन जो हम लोगों के मतलब तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जो मतलब एक एनसीईआरटी को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी जो है प्रश्न करती है और उस प्रश्न पर जो है खरा उतरती है, ठीक है ना, फिर उसका पूरा डिटेल्स जो है इसमें दिया जाता है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्लास में देखेंगे यहाँ से, ठीक है, जनजाति समूह किस तरह जीते थे, इनका जीवन कैसा था, ठीक है ना, थैंक यू।